The Secret of Your Life by Professor Gurdeep Arora. इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। दोस्तों, अगर आप मेरा हर रोज नया एपिसोड देखना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल पे जाइए। यूट्यूब चैनल पे प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा सर्च कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अरे एक बात मत भूल जाइए, बेल बजाना, ताकि जो भी मेरा नया प्रोग्राम आए वो सबसे पहले आप ही देखें। कहता अब आपने पत्थर अपने दिल से तो हिला दिया लेकिन मेरे दिल के ऊपर रख दिया जो मैंने इतनी अच्छी छवि बनाई थी। इसीलिए जो बातें होती हैं बुरी उसको निकाल देनी चाहिए दिमाग से, ना के अपने दिल का पत्थर दूसरे के ऊपर रख देना चाहिए। नहीं नहीं वो बंदा बहुत बुरा है। ऐसी बातों से निकलिए, ये दुख का कारका होता है। दुख इसी से शुरू होता है जब हम अपनी जरूरतें दूसरों को बोलते हैं। इंसान को खुद करना चाहिए जो काम खुद कर सकता है। मेरे को क्या करना चाहिए था? मेरे को खुद करना चाहिए था, लेकिन ये जो टीम होती है हमारी, हमारे साथ तकरीबन कम से कम 50 लोग जुड़े हुए हैं जो मेरे साथ, जो मेरे खुद के, जैसे कि हमारी वास्तु टीम है, जैसे कि हमारी गोल्ड टीम है, जैसे कि हमारी स्टोनों की टीम है, जैसे कि हमारी ब्राह्मणों की टीम है जो मेरे सामने बैठी हुई है, जैसे कि हमारी एस्ट्रोलॉजियों की टीम है। ऐसी टीमें हमारे साथ बंदे जो जुड़े हों, जो दिल से जुड़े हैं मेरे साथ, जैसे कि ये धर्म पंडित जी हैं, जहाँ भी जाते हैं जहाँ भी पूजा आराधना करते हैं, चाहे वो लेह लद्दाख हो, तो चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे वो अमरनाथ हो, जहाँ भी जाते हैं पहले जो भी हवन करेंगे गुरदीप अरोड़ा का ही करेंगे। उनके मन में यही होता है कि गुरदीप अरोड़ा को भगवान ज्ञान दे, वो हम जैसे लोगों को बांटता रहे। देखिए ऐसी टीम मेरे साथ जुड़ी होती है और जहाँ भी जाती है, कई दफ़ा तो ऐसे करते हैं, प्रोफेसर साहब अब आपको साथ लेकर जाना है हमने हवन करने के लिए। ये मेरे को धक्के से ले जाते हैं, कहीं गंगा के किनारे बैठा देते हैं, चलो 4 घंटे गंगा किनारे बैठना है, हिलना नहीं है, तो मैं भी 4 घंटे बैठता हूँ भाई, क्योंकि ये जब ऑर्डर देते हैं तो मैं भी ऑर्डर मानता हूँ इनका। इसीलिए कई दफ़ा ऐसा होता है जो हमारी टीम मेरे को ऑर्डर देती है मेरे को भी करना पड़ता है। जो मैं पूजा आराधना करवाता हूँ, पता क्यों करवाता हूँ बता दूँ दिल की बात? चलो मान लीजिए एक इंसान मेरे पास आया, कहता है प्रोफेसर साहब मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मेरे कैंसर फैल चुका है, बचा लीजिए, आपके बारे में बहुत सुना है। मैंने कहा आप खुद बचा सकते हो, कोई इंसान दुनिया का ऐसा नहीं जो शक्ति मार दे दूसरा इंसान बच जाए, वो सतयुग की बातें थी, वो ख़त्म हो चुकी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कर सकते हो तो आप खुद, लेकिन मैं आपको उपाय ऐसे दूंगा, आपने मेरे को भूल जाना है कि प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा ने दिए, आपने बोलना है भगवान ने दिए, मेरे को भूल जाओ, बीच में जो बैठा हुआ ना मैं, मेरे को भूल जाओ। लेकिन इस बात की तसल्ली जरूर देता हूँ जो भी आज तक यहाँ पे आया है, कहता है मेरे को ये बीमारी है, बीमारी से दूर जरूर हुआ। लेकिन क्यों होता है? क्योंकि जब मैं जोर से बोलता हूँ नहीं होगा आपका सही, आप जाओगे, क्यों जी ऐसे ही बोलता हूँ ना, बताइए आप पिछले 4 साल से जुड़े हुए, जो भी इंसान मेरे साथ आता है मैं कहता हूँ नहीं, करके दिखाऊंगा। कोई भी ऐसी इंसान में शक्ति नहीं है जो इंसान बोले ना हो। वो क्या होता है? क्योंकि सबसे पहले जब आप मेरे पास आते हो मैं कहता हूँ नहीं मेरा परिवार, आप मेरा परिवार हो, नहीं मैं ठीक करना है, मैंने उसे ऐसे ही बोला, चिंता मत कीजिए आपकी बीमारी दूर हो गई, उसमें पॉजिटिविटी आ गई, उसको मैंने उपाय दिए, वो 4 जो कहते हैं ना पहले से ही वो लगवा चुका था, बिजली वगैरह लगती है वो लगवा चुका था, 2 रहती थी, लेकिन मैंने बोला तू ठीक हो जाएगा, उसके अंदर से ताकत आ गई। हालांकि उसके पैर सूज गए थे, जब कैंसर का लास्ट स्टेज आता है तो पैर सूजने शुरू हो जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, हर किसी की कोई भी बीमारी हो तो उसकी इंडिकेशन पहले से आ जाती है, हम दे लेते नहीं, हम भूल जाते हैं, कोई बात नहीं बुखार है ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको दिखाना चाहिए क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्यों हुई। उसको मैंने उपाय दिए, कैंसर के उपाय आपको तो पता ही है, बता दूँ, चलो टीवी में बता देता हूँ पूरी दुनिया को पता चल जाएंगे, लेकिन ये बताना पड़ेगा कि कैंसर कौन सी, जैसे कि मान लीजिए केतु और चंद्र का मेल अष्टम में हुआ और केतु और चंद्र जब मिलता है तो साथ में शनि देख रहा है, साथ में बुध ग्रह खराब है, और क्लोड बना कहाँ से बना, दूसरे घर को ज़्यादा देख रहा है, दूसरा घर होता है हमारा किसका होता है, हमारी आँखों का, हमारे इस पार्ट का दूसरा घर, ये तीसरा घर आ जाता है यहाँ से,
दूसरे घर से क्या हुआ कैंसर बना, या चौथे घर से, चौथा घर हमारा ये होता है, पंचम घर ये आता है, छठा हाउस ये आता है, कौन से घर से कैंसर हुआ। लेकिन कैंसर के जनरल उपाय दे रहा हूँ, लेकिन उपाय बारीकी में वो दूंगा जब आप मेरे पास आते हो तो कुंडली के मुताबिक कौन से उपाय बनते हैं। जैसे कि 5-6 उपाय कैंसर के होते हैं, तांबे के लोटे में मूंग साबुत दाल भर के कली के टंके से बंद करके चलते पानी में जल प्रवाहित, चाहे लोटा इतना हो चाहे लोटा गगर हो, वो आपकी आपकी पैसे की इच्छा अनुसार कि आप कितने पैसे लगवा सकते हो, 500 रुपये लगा सकते हो, 500 लगा सकते हो, वो आपके मुताबिक। 1:27 बादाम चलते पानी में जल प्रवाहित, बादाम ही क्यों, साइंटिफिक रीजन बाद में बताऊंगा क्योंकि मेरी बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, शाम को 5 बज जाएंगे, मेरी बातें खत्म होंगी, आपकी बारी कहाँ से आएगी। लेकिन ये बातें नोट करने वाली हैं, ऐसी किताबों में बातें नहीं मिलेगी, साइंटिफिक रीजन के साथ बताऊंगा। वो 1 नारियल 4 बादाम चलते पानी में जल प्रवाहित करने बुधवार को शाम को रोज, जिससे वो कैंसर की बीमारी अगर बहुत बड़ी स्टेज है तभी, अगर मृत्यु तुले कष्ट है तब, मिट्टी के कुज्जे में गेरू मिट्टी भर के, लाल मिट्टी भर के मिट्टी में दबाना है, मंगलवार को गेरू मिट्टी पंसारी की दुकान से मिल जाती है। ये उपाय के पीछे साइंटिफिक रीजन, हर उपाय के पीछे साइंटिफिक रीजन होता है। जो कैंसर की बीमारी आती है वो चंद्र शनि बुध से और मंगल से आती है। कहते हैं ना पराशर ज्योतिष जो हमारी है ना, पराशर ज्योतिष में बुध को बहुत अच्छा ग्रह बताया गया है, लाल किताब में बुध को बहुत बुरा बताया गया है। कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता, कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता, इस बात को बहुत ध्यान से जानिए। जैसे कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, इसी तरीके से कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता। जैसा कि मान लीजिए एक इंसान को हम बोलते हैं चोरी कर रहा था, इसको पकड़ा गया, पुलिस को पकड़ाओ, उसकी मजबूरी थी। एक इंसान मेरे पास आया, कहता है प्रोफेसर साहब ये फैक्ट्री आप लुधियाने में रहते हो जानते हो, मैंने कहा जानता हूँ, ये फैक्ट्री मेरी है, ये फैक्ट्री 5 फैक्ट्रियों का मालिक था वो, बहुत ध्यान से सुनिए ये हकीकत है बात, 5 फैक्ट्रियों का मालिक, उसके कपड़े अच्छे नहीं पाए हुए थे, स्मेल आ रहे थे। मैंने कहा क्या, कहता रोज सुबह जब मैं मंदिर में जाता था एक गुट्टी नोटों की निकालता था और गरीबों को बांटता जाता था, ये जो जितने भी रक्षे वाले हैं मेरे को दुआएं देते थे, अगर ये बंदा ना आए तो हमारे जो हम ब्रेकफास्ट करते हैं परोंठे वहाँ से खाते हैं वो हम भूखे मर जाएं। बहुत ध्यान से सुनिए, एक इंसान बहुत अच्छा फैक्ट्रियों का मालिक, घर में पैसे रोज गुट्टी 10-10 की या 150-150 रुपये देता था रोज सुबह, फिर जाता था और एक ट्रैली भर के, एक ट्रंक भर के, और जो गौशाला बचाता था आपने गाय को डालना, इतना दान पुण्य करने वाला इंसान। बहुत ध्यान सुनिए, जब दशा आती तो क्या करवाती है, शनि मार्केश था, 11वें घर का मालिक और 12वें घर का मालिक, शनि अच्छा नहीं था, ऊपर से सारसती, ऊपर से महादशा स्टार्ट हुई, तो क्या हुआ, जो कहते ना जब 12वें घर की दशा महादशा स्टार्ट होती तो क्या होता है, 12वां घर किसका होता है बताइए जी, हॉस्पिटल का, 12वां घर खर्चे का, व्यय का, 12वें घर में क्या होता है तो वो सारी चीजें उसके साथ घटनी शुरू हो जाती है। जब किसी घर की दशा चलती है पराशर ज्योतिष का और सिद्धांत जानिए जो हम भूल गए हैं ज्योतिष के बारे में, थोड़ा सा ब्रिकी में जाइए, जब किसी दशा घर की दशा स्टार्ट होती है तो उसका 7वां घर जाग जाता है, पता है ना जी चंदन जी, जब किसी 12वें घर की दशा स्टार्ट हुई तो 7वां घर भी, 7वां घर क्या हुआ, छठा हाउस, यानी कि छठा हाउस भी जाग गया, रोग ऋण शत्रु भी आ गए साथ में जब 12वां घर पीड़ित हुआ, तो क्या हुआ वो बंदे के साथ सब कुछ खत्म हो गया, उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई, आपकी गलती थी ये सब कुछ, इतनी फैक्ट्री मेरा इतना बड़ा घर आपने बेच दिया, घर वाली छोड़ के चली गई, बच्चों ने छोड़ दिया, अकेला रह गया, घर खत्म हो गया सर, वो क्या हुआ ताले लग गए बैंक के, पैसे खाने के लिए पैसे ना बचे, उसने क्या किया फिर, चोरी करनी चाहिए, क्या वो इंसान चोर था बताइए मुझे, जो इंसान दान पुण्य करता था वो इंसान चोर था, फिर वो चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया, उसकी जमानत नहीं हुई, 6 साल वो जेल में रहा, फिर मेरे सामने आया, अब बताइए मुझे क्या इंसान बुरा होता है, हालात बुरे करवाते हैं, कोई भी इंसान बुरा नहीं है। अगर हर किसी के पास पैसा हो, कौन नहीं चाहता कि मैं जैसे
फ्री में ये काम करवाता हूँ, टीवी में उपाय देता हूँ, इतनी स्टडी करके आता हूँ। आपको पता उड़ीसा तक गया, मेरे साथ 7 लोग थे, कितना खर्चा आया होगा 7 दिन का? 8.5 लाख रुपया। 8.5 लाख रुपया मैंने खर्चा किया किसके लिए? मैं अकेला भी घूमने जा सकता था, अकेला हवाई जहाज में जाता 50,000 रुपये टिकट आती और अकेला 2 दिन रह सकता था। लेकिन ये मैं 7 अपने बंदे लेके गया, 8 बंदे साथ में लेके जाता हूँ, टीम लेके जाता हूँ, इतना खर्चा करता हूँ किस लिए? आपको दिखाने के लिए कि ये चीज किसके लिए, ये स्वयंभू निकला है, धरती में से निकला है मंदिर, इसके ये प्राचीन मानता है, इसके साथ ये होता है, ये मैं क्यों करता हूँ? आपके लिए, ताकि पूरी दुनिया को ये दिखा सकूँ एस्ट्रोलॉजर लूटने वाले नहीं होते, कुछ ज्ञान देने वाले भी होते हैं। इसलिए सबको बुरा मत बोलिए, हमारे अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हैं जो मेरी तरह खोज करते रहते हैं, चंद्र के जैसे शिलिंदर है, जो शिलिंदर बेचारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अश्विनी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं लोगों का भला करने के लिए, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए, आज की पूरी दिहाड़ी छोड़ के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर हम जुड़ते हैं, अगर मैं बैठा हूँ, मैं आपको फ्री में उपाय बता रहा हूँ, वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, क्योंकि आपके लिए, ताकि आप आके बैठे किसी चीज़ की कमी ना रहे। मुझे ये लगता है कि मैं आपके लिए सब कुछ करूं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे दिल में 2 बातें इकट्ठी हुई हैं, अगर मेरे को कोई ज्ञान की बात पता चला है, जैसे कि मेरे को पानी के बारे में पता चला था, मैंने पानी के ऊपर एपिसोड कर दिया, जो दरिया के पास खड़ा हो गया मैं, और दरिया के पास खड़ा हो गया मैंने बोला जो मेरा परदादा था वो पानी दरिया से पीता था, क्यों भी आपके लक्कड़ दादे परदादे पानी की यहाँ से पीते होंगे दरिया से। मैंने कहा मेरा दादा हुआ वो कुआं खोद के पानी पीने लगा, बाल्टी निकाल के, क्यों भी ऐसे पीते थे हमारे दादे पहले, वो कुएं पानी पीते थे। मैंने कहा मेरा बाप आया वो और सियाना हो गया, उसने नल लगा लिया, उन्हें बोला छोड़ो मैं नल से बाहर निकालता हूँ, जो हम आए हैं हम और सियाने हो गए, हमने क्या लगा दिया, हमने मच्छी मोटर लगा दी, टूटियाँ लगा दी, और टूटियों में कहते हैं गंदा पानी आता, हमने फिल्टर लगा दिया, बोतलों में भर दिया, पानी खत्म हो रहा है तो हमने ऐसे ही मिलता, पहले पानी कितना ज़्यादा था अब पानी थोड़ा सा रह गया, हमारे जो बच्चे पोते पोतड़ियाँ हो गए वो पता पानी कहाँ से पियेंगे कैप्सूल में, हमने छोड़ रहे नहीं है क्योंकि पहले हम बाल्टियां भर भर के पानी पीते थे, बहुत पानी था दरिया में नल से, अब हमारे बच्चों के लिए कैप्सूल होगा पानी पीने, ये कैप्सूल लेडी बेटा प्यास बुझ जाएगी, खोने वाला ऐसा ही है, मुझे पता है ऐसा होगा, इसलिए मैंने क्या किया, दरिया के पास खड़ा हो गया जहां पे गंदा पानी आता था और दरिया में साफ पानी आता था, झोपड़पट्टी दिखाई सभी कैमरे में, ये देखिए सभी झोपड़पट्टी, 2 दिन मेरे खराब हुए एक एपिसोड करने में, 2 दिन का खर्चा बता दूं आपको, सुन के हैरान हो जाओगे, मेरा 2 दिन का टीवी का खर्चा सब खर्चा कितना है, लेकिन किसके लिए किया, पानी के ऊपर गर्मी में, अब पता कितने डिग्री टेम्परेचर है, 45 डिग्री, बाहर निकल के आप तो बाहर से आए हो आपको तो पता ही है, तो वो मैं पानी के किनारे खड़ा होकर आपको बताया कि ये पानी को बचाइए, मत पानी वेस्ट कीजिए, ताकि हमारे बच्चों को कैप्सूल में पानी ना लेना पड़े। प्रोफेसर साहब आपसे बात पूछना चाहूँगी कि आपके साथ कोई भी इंसान जुड़ता है तो वो कामयाब हो जाता है, तो आप में ऐसी कौन सी पॉजिटिविटी है कि वो सब कामयाब हो जाते हैं, जी पंडित जी जुड़े हैं वो कामयाब हो गए, शिलिंदर अश्विनी जी जुड़े हैं वो कामयाब हो गए, मैं कामयाब हो गई, मतलब आप में क्या पॉजिटिविटी है? पंडित जी सच बताइए, घर बन गया या नहीं बन गया, सच बताइए खड़े होके। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय पंडित जी। आज जैसा प्रोफेसर साहब जी ने बताया कि इनके अंदर कुछ दैवीय सहानियतियाँ हैं, शक्तियाँ हैं, जो ओम नमः शिवाय कहने से ही लोगों का भला कर देते हैं। जी। उन्होंने बोला कि मैं दिल से अपना परिवार मानता हूँ, और जब पूरी कायनात, पूरी सृष्टि जब किसी को दिल से चाहती है ना, तो उसके हर प्रकार के दोष और रोग दूर करती है। इसमें विश्वास अहम भूमिका निभाता, और शायद गुरदीप अरोड़ा विश्वास का दूसरा नाम है। जी बिल्कुल। मैं लगभग 5 साल से जानता हूँ, पहचानता हूँ, अंदर तक जानता हूँ, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा साथ रहा, बहुत कमियाँ थी, गरीबी थी, कमियाँ थी, कर्मकांड से भी काम नहीं चलता था, और जब से इनसे मिला आई थिंक मैं देख रहा हूँ कि दिन पर दिन 2 दुनी नहीं 8 गुना 16% में तरक्की करते जा रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि हर लोगों बड़े दिल से, बड़े मन से
इनका जो ज्ञान का खजाना है उसमें से लूट लेना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए। समुंदर में से बाल्टी तो निकाली जा सकती है, समुंदर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, जितना हो सके जितना हो सके, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि गुरुदीप जी अब धीरे 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 बहुत ही ज़्यादा अध्यात्म की तरफ, खोज की तरफ जा रहे हैं, और मैं लगभग पंजाब के ही 100 एस्ट्रोलॉजर को जानता हूँ कम से कम, उसमें से 25% शायद उस करीब जा सकते हैं, लेकिन गुरुदीप जी बहुत आगे निकल रहे, इसलिए तालियां। एक प्रोफेसर गुरुदीप अरोड़ा ही ऐसे एस्ट्रोलॉजर मुझे लगता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं, लेकिन एक प्रोफेसर साहब ही ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो अपने गले से पैसे निकाल के देते हैं। शायद आप सारे जानते होंगे इस बात को अच्छी ढंग से, और जब भी वो पैसे देते हैं वो अपने पर्स में रख लो ना, तो मुझे लगता है कि बरकत ही बरकत हो जाती है। क्या पॉजिटिविटी है आप में, क्या आपने कोई सिद्धि सिद्धि की है, या तंत्र मंत्र है, या कोई काला जादू है? काला जादू पहले होता था, आज से 2000 आज की डेट में प्रोफेसर साहब काला जादू होता? वैसे मैं आपको सबको समझा दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्या ऐसा काला जादू होता है, क्या मंत्र तंत्र होते हैं? मंत्र तंत्र होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, मंत्र तंत्र होते हैं। काला जादू 500 साल तक रहा, लेकिन उसके बाद खत्म होना शुरू हो गया। वो कैसे बताता हूं। मान लीजिए मेरा कोई चेला आ गया, वो बोले प्रोफेसर साहब मैं भला करना चाहता हूँ। मैं पहले ऐसे करता था, मेरे कम से कम 500-700 एस्ट्रोलॉजर मैंने बना रखे हैं, वो कोई किसी का भला नहीं करता, सब कहते हैं मेरे पास एक आ गई छड़ी जादू की, पैसे लूटते हैं। मैंने इसलिए पढ़ाना बंद कर दिया, मैंने कहा मैं पूरी दुनिया को पढ़ाऊँगा ज्योतिष। इसलिए मैं ज्योतिष पहले पढ़ाता था, मेरा इंस्टीट्यूट होता था लुधियाना में, लेकिन मैंने बंद कर दिया। उसका एक कारण यही है कि जो ज्योतिष सीख लेता है, पता नहीं उसके पैसे के जो दरवाजे होते हैं वो खुल जाते हैं, वो कहते हैं आ जाए, जितने आ जाए उतने कम हैं। लेकिन जितना भी पैसा, मैं आपको एक चीज़ और समझा दूं, लक्ष्मी को कभी खराब नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैं क्या करता हूं, आप सुन के हैरान हो जाओगे, जब मैं शाम को हिसाब किताब करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, आप सुन के हैरान हो जाओगे कि ऐसा इंसान कर सकता है। जब मैं शाम को हिसाब किताब करता हूं, वो ले जाए वो ले जाए वो ले जाए वो जाए, कितना बच गया, कितना बच गया, इतना बच गया यार, ये तू ले जा शिफाली, इसको दे दे जमा करवा दे, उसको अकाउंट में जमा करवा दे, उसको देने थे, अब ये बच गए, अब ये तू ले ले, ड्राइवर को दे दिए, अपने को दे दिए, इसको दे दिए, अब 500-700 रुपये दे दिए यार, जब भी मैं रात को फ्रूट लेके जाना है। मैं ऐसे करता हूँ, मैं कभी भी ज़्यादा पैसा घर पर नहीं लेके जाता। मुझे ऐसा लगता है जनता के पैसे जनता में ही बांट देने चाहिए, क्योंकि आपसे इकट्ठे करके आपका सेमिनार लगाता हूँ, आपसे इकट्ठे करके मैं वहाँ जाता हूँ, टूर पे ऊपर जा रहा हूँ, आपसे इकट्ठे करके जब भी मैं कहीं जाता हूँ वो आपके पैसों से ही खोज करता हूँ, तो आपको ही देता हूँ, ना कि मैं घर से लेके जाता हूँ। इसीलिए मेरी यही कोशिश होती है कि जो मेरे साथ जुड़ा है इंसान, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो कैसे ठीक होते हैं, क्या वो इंसान क्यों अमीर बन जाते हैं। इंसान के पास एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो पता क्या शक्ति है, वो पॉजिटिविटी हर इंसान में है, लेकिन कोई इंसान अपनी पॉजिटिविटी नहीं जगाता, वो दूसरों से लेने जाता है। क्यों हर एक इंसान के पास पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा क्यों हो जाती है, बता दूं? चलो रहस्य की बात बताता हूँ, रहस्य जब तक नहीं खोलूँगा तब तक पता नहीं चलेगा। आप सभी आज मेरी गारंटी है, अगर करोगे सुबह उठ के थैंक्स जरूर बोलोगे मेरे स्टाफ को। पता क्या करना, आज शाके करना, वाह बहुत मज़ा आया, आज से मैं भी कामयाब होऊंगा। आपने ये बोलना, आज से मैं भी कामयाब हूँ, कामयाब होऊंगा नहीं, कामयाब हूँ नहीं, 100% जो मेरी गलती खत्म हो गई, आज के बाद मैं काम करने जाऊंगा और कामयाब होकर ही लौटूंगा, आपने अपने आप पर, और मेरी गारंटी है कल तक जो आपके काम नहीं बनते थे वो बनने शुरू हो जाएंगे। क्यों? कारण, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए हम जाते हैं ना, कहते हैं, हम सुनते हैं अभी वहाँ पे बस जा रही थी वो गिर गई, उसमें 50 लोग मर गए, सुनते हो ना आप, क्या 50 लोगों की आई थी, वो 50 के 50 ही मर गए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, 50 लोगों की कभी नहीं इकट्ठी आती, लेकिन वो मरे, क्यों मरे? जब ये एस्ट्रोलॉजियों के लिए लाइन है जो मैं बोलने वाला हूँ, जब किसी जगह के ऊपर लैंगिट्यूड लॉटिट्यूड के ऊपर शनि मंगल का टकराव होता है, नक्षत्रों का किसी जगह के ऊपर,
वही जगह के ऊपर, वही लैंड के ऊपर जब कोई बुरे नक्षत्र गुजरते हैं, उस जगह के ऊपर चाहे कोई भी महात्मा जा रहा है, चाहे संत जा रहा है, चाहे आम इंसान जा रहा है, उसने उस ग्रहों का असर उसके ऊपर जरूर पड़ेगा। और वो 20 के 20 लोग या 50 के 50 लोग खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म होंगे? क्योंकि कुंडली में ये योग लिखा था, कुंडली में ये योग लिखा था कि आप उधर जाओगे, लेकिन मृत्यु योग नहीं लिखा था। मृत्यु योग क्या बन गया? क्योंकि उस नक्षत्रों ने बना दिया उस इंसान का, तो फिर वो तो आई नहीं थी उसकी, फिर उसकी रूह कहाँ जाएगी? जब इंसान की समय से पहले मृत्यु हो गई तो उसकी रूह कहाँ जाएगी? मान लीजिए मेरी मृत्यु हो गई, मैं क्या सोचता था? मंदिरों में जाता था, मैं क्या कहता था? अच्छे इंसान कौन है? जो मेरे जैसा इंसान होगा मैं उसके साथ रहूँगा, यार ये मेरे जैसी सोच रखता है, जो मेरी पावर है उस इंसान को मिल जाएगी। बहुत ध्यान से बात सुनिए, इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। आप जैसे इंसान हो आपके साथ ऐसी रूहें जुड़नी शुरू हो जाती हैं। हम उसे रेकी में बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या पता कितनी सूक्ष्म रूहें बैठी हों, नहीं पता, लेकिन सूक्ष्म रूहें दिखाई देती हैं। किसको दिखाई देती हैं? जिसकी कुंडली में चंद्र और केतु का मेल होता है। चंद्र और केत, ना घर ना खेत, ये लाल किताब की लाइन है। जिसकी कुंडली में चंद्र खराब होता है उसे ऐसी एनर्जियां दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। हो सकता है कि चंद्र बढ़िया हो, मान लीजिए चंद्र खराब हो करके गुरु के साथ बैठा हुआ है, तो उसको ऐसे बंदे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं जो भगवान को मानने वाले होते हैं। कुंडलियों में योग होते हैं जो दिखाई देते हैं, इसलिए यहाँ पे पता नहीं कितनी सूक्ष्म रूहें जुड़ी हैं। जैसा आप सोचते हो आपके साथ वैसी रूहें चलनी शुरू हो जाएंगी, आपको पावर मिलनी शुरू हो जाती। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरे साथ क्या होता है, पॉजिटिव इंसान जुड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे कि मुझे कल, मैं हकीकत बताता हूँ आपकी, मैं कभी भी जग बीती बात नहीं करता, मैं हड बीती बात करता हूँ। हमारे पुराने बुजुर्ग पता क्या बोलते थे? कहते थे हड बीती सुना। हड बीती का मतलब ये होता है जो आपके साथ बीती हो। ये मैं पुराने बुजुर्गों की बात करता हूँ, मैं बुजुर्गों को बहुत प्यार करता हूँ। कहते जग बीती सुना, जग बीती वो होती, क्योंकि पहले हमारे बुजुर्ग पता क्या करते थे? हमारे दादा परदादा जो हमारे बुजुर्ग थे वो पता क्या करते थे? कहते थे चलो जग बीती सुनाता हूँ। जग बीती का मतलब होता है मैं कहानी सुनाता हूँ जो जग में बीती हुई है, जो बीत चुकी है, वो कहानी के रूप में। हम आजकल बोल देते कहानी सुनाओ, वो पहले ऐसी बात करते थे। अगर आप पॉजिटिव हो तो मेरी गारंटी है, आप अभी से बोलिए जिसका घर नहीं बना मेरा घर बन गया, और मेरी गारंटी है 100% गारंटी है घर बनना शुरू हो गया आज से ही। तो प्रोफेसर साहब इसके लिए एक छोटा सा उपाय भी हो जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसों का। अगर घर किसी ने बनाना है तो वैसे तो मैं सबको बोलता हूँ 3 कुत्ते मिट्टी के काले सफ़ेद घर में रखने शुरू कर दीजिए। मिट्टी के 3 कुत्ते काले सफ़ेद, जिसके ऊपर सफ़ेद कलर और काले धब्बे हों, अगर 3 कुत्ते ऐसे घर में रख लिए तो घर बनना शुरू हो जाता है। अगर घर बेच के बनाना हो तो बहुत आसान उपाय, जो मीठे चावल होते हैं जर्दे वाले, चीनी वाले, वो आप किसी भी धार्मिक स्थान पे गुरुवार को बांटिए, घर बनना शुरू हो जाएगा। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार सर। मैं थानू बड़ी देर तो देखते हैं, मेरी चाह भी बड़ी ही थानू मिलन दी, मैं बड़ा दिल खुशी हुई भी अमृतसर नेड़े तेड़े आ ते मैं वेखा मिला। मेरी ये इच्छा जी भी मेरे बच्चों के ब्याह जोड़े होने का रुकावट आ रही है, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਉਹ ਪੱਟ ਪਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ, ਜਿਸਕੇ ਘਰ ਮੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਨਤਾ, ਮੰਗਲ ਕਾਰਿਏ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ, ਮੰਗਲ ਬਦ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਉਸਕਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ, ਸਭਸੇ ਬੜਾ ਕਾਰਨ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰ ਕਾ ਫੇਸ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੋ ਸਾਊਥ ਫੇਸਿੰਗ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਸਭਸੇ ਬੜਾ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੂ ਕਾ, ਅਗਰ ਵਾਸਤੂ ਆਪਕਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਕਾਰਿਏ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, तो मंगल कहाँ से आता है? मंगल कार्य से हम क्या करते हैं? चलो साइंटिफिक रीजन से बताता हूँ हर बात को। मंगल कार्य कहाँ से शुरू होता है? मीठे से, क्योंकि जब भी मंगल कार्य आता है तो मीठा बांटते हैं, तो मंगल कार्य हमारे घर में हुआ। इसी तरीके से जो पुराने बुजुर्ग करते थे मीठा कैसे बांटते थे, क्योंकि पहले हलवाई की दुकान नहीं होती थी, बता देता हूँ सबको, घर में गुड़ बनाते थे। मैं बातें करता हूँ आज से 100 साल पहले की, तब मिठाई की दुकान नहीं होती थी, गुड़ बनाते थे, तो गुड़ में मीठी रोटी बनाते थे। आपने वही पुराने रीति रिवाज करने हैं,
मीठी रोटियां बांटनी है। अब आजकल तो मीठी रोटी खाएगा ही कोई नहीं, तो फिर क्या करनी है, शनि को खिला दीजिए। क्योंकि हम पहले क्या करते थे, पहले लोग क्या करते थे, जो मीठी रोटियां क्या करते थे, जो काम करने वाले जो दिहाड़ीदार करते हैं उनको खिलाते थे। लोग भूखे होते थे, अनाज बहुत कम होता था, तो मीठी रोटियां खाते थे और लोगों का काम बनता था। तो आजकल तो मीठी रोटियां तो हैं लेकिन काम बनने बंद हो गए। क्यों? क्योंकि लोगों ने खाना बंद कर दिया, इसीलिए लोग तो खाएंगे नहीं आपकी बनी हुई मीठी रोटियां। वहम आजकल बहुत ज़्यादा है, डर आजकल बहुत ज़्यादा है, किसी ने कुछ खिला दिया पिला दिया, ऐसे बातें तो वैसी ही होती रहती हैं, कोई कुछ खिला नहीं सकता पिला नहीं सकता, ये आपकी वहम मनगढ़ंत बातें होती हैं। इसीलिए जो मीठी रोटियां हैं वो आपने काले कुत्ते को, मैं बोलता हूँ काले कौए को बोलता हूँ, काली गाय को बोलता हूँ, जिसमें शनि का रूप आ जाए, क्योंकि जो मजदूर वर्ग होता है ये भी शनि ही होता है, तो उसको शनि के रूप में आजकल मैंने साइंटिफिक रीजन से बदली कर दिया। तो आप उसको खिलाइए, आपके घर में मंगल कार्य होने शुरू हो जाएंगे। मंगलवार को खिलानी है या शनिवार को खिलानी है, किसी भी समय खिला सकते हो, सुबह या शाम। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। जिंदगी में हर तरफ दुखी लोग, और दुखों की कोई सीमा नहीं, हर तरफ संघर्ष है, चारों तरफ कश्ती कश्ती, चारों ओर तकलीफें, असफलता, कुंठा, निराशा, ये सब अनेक नाम है दुखों के। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो। जिंदगी में एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, और जब जिंदगी में दुख आता है तो साया भी अपना साथ छोड़ देता है, अपने भी पराए। ऐसे में अपना दुख किससे कहे, कौन है जो आपका सच्चा हमदर्द है, या आपको कोई उम्मीद है? जी हाँ, उम्मीद की एक किरण है, एक शख्स है, और वो शख्स है जो आपकी तकलीफों को दूर करने के लिए खड़ा है, और वो है विश्वविख्यात ज्योतिषों के गुरु प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। नमः शिवाय। जो पिछले कई सालों से प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी अपने ज्योतिष के गहन अध्ययन से लाखों लोगों को उनके कष्टों से छुटकारा दिला चुके हैं। प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी की एक खासियत है कि वो जो भी बात करते हैं वो गहरी शोध और लॉजिक के साथ करते हैं, ताकि लोगों में भ्रम और अंधविश्वास ना हो। ज्योतिष के ज्ञान को वो लोगों में बांटना चाहते हैं। उनका लक्ष्य है अपना सहारा खुद बनाना। प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी आज अपनी सच्चाई और ईमानदारी के बल पर देश के उन चंद ज्योतिष गुरुओं में से एक हो गए, जिन पर लोगों का अटूट विश्वास है। उनकी बहुत सारी भविष्यवाणियां सच हुई, उन्होंने लाखों लोगों को उपाय बताए हैं, उससे उनकी जिंदगी के दुख दर्द खत्म हो गए। जाने कितने लोगों को रोजगार, पढ़ाई, शादी में, कोर्ट कचहरियों की किल्लत, विवाह में, गरीबी में, बीमारी में, ऐसे कितने कष्टों से निजात दिलाई, और उसके लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सच्ची ताकत है ज्योतिष विद्या का ऐसा ज्ञान जो बहुत कम लोगों के पास है। ज्योतिषों के गुरु प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी, The secret of your life. Namah Shiva. दोस्तों, अगर आप मेरा हर रोज नया एपिसोड देखना चाहते हो तो YouTube चैनल पे जाइए। YouTube चैनल पे प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा सर्च कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अरे एक बात मत भूल जाइए, बेल बजाना,
ताकि जो भी मेरा नया प्रोग्राम आए वो सबसे पहले आप ही देखें।